पद दो तीन गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था, मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया। एक घर में रोवा का नहीं हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं कि भाई से पद कौन छीन लिया। अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं। देखिए भैया, सही है कि गलत है, हमार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय NDA के शीर्ष नेता लोग क्या सोच के दिए हैं माननीय संतोष जी को और रत्नेश सदा जी को मुक्त किए हैं इससे, तो वही जान सकते हैं। और हमने हमारे हम सवाल किए थे कि पद अगर संतोष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद दो तीन गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था, मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। पढ़े लिखे संतोष सुमन एक पढ़े लिखे हैं, क्या उनको अच्छा विभाग नहीं दिया जा सकता है? क्या उनको अच्छे विभाग से नहीं नवाजा जा सकता? आप लोग के चैनल पर तो बहुत चल चुका है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, विभाग कोई अच्छा और खराब अति बुरा नहीं होता है, सभी काम करने वाले विभाग है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला लोग, महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया, 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। और जिस कदम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ताशपोशी पेशी कराने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो उसमें और 4 चांद लग जाता। लेकिन जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, पथ निर्माण में रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लगता है पथ निर्माण ही सब देना चाहिए था, चाहे स्वास्थ्य विभाग देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए था आप लोगों को, चाहे कुछ बड़ा? आप फिर सोच रही है कि बहुत पुराने नेता हैं, वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था, पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमर भाई से लेकर दे दिए यही दुख है बस। और उसमें सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग समर्थन करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी जो मेरे हमारे विधायक दल के नेता बने हैं, उनको से उनको हम लोग स्वागत करते हैं और 12 तारीख को उनको जिताएंगे। आखिर आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं। कौन मैं बता दीजिए कौन छीन लिया? नहीं ना, अब कौन छीन के दिया था ये हम वहाँ थे, हम आप ही के आप चैनल से ना जाने कि फलाने आदमी मंत्री बने, फलाने आदमी ये बने, ये विभाग उन्हें मिला, हम इतना ही तो जानते हैं। मंत्री बनने का अधिकार तो आपके चहेते नेता को ही है ना, नीतीश कुमार को, नीतीश जी को है ना, तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का विभाग था उन्हें वापस होना चाहिए, बिना बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा का नहीं हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो दो विभाग तीन विभाग कोई रखे हुए थे उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था, या SC ST माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहां से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे लेकर के इन्हें दे दिया? पहले संतोष सुमन से छीने नीतीश कुमार, उसके बाद रत्नेश सदा को दिए, रत्नेश सदा फिर संतोष सुमन को दे दिए, फिर आप ही लोग गलत बोल रहे हैं, उन्हें उनसे छीना नहीं गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था बस। तो अदला बदली आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश? आखिर नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं, खबर कर रहे हैं उनको नहीं, तो वही चीज तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए, अब क्यों कर रहे हैं फिर मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ये बात आप नीतीश कुमार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए पद? हाँ एकदम मिलना चाहिए, हम आप लोग के माध्यम से चलिए गए उनके पास। लगता है सीएम साहब से गलती हुई है? वो गलत नहीं किए हैं, हमसे ज्यादा माथा वाले हैं और बहुत समझदार है, काबिल नेता है, और इसलिए कुछ सोच समझ कर बोले हैं तो हमको लगता है हम ही अक्षम है, वही सक्षम है, इसलिए दिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।